बोलेंगे आप? अभी से क्या कर रहे हैं आप इस समय? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर कर रहा हूँ। हाँ, रामदास कॉलेज से। मास्टर किस में कर रहे हैं आप? म्यूजिक में कर रहा हूँ, प्रकर्शन कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेके आप यहाँ दर दर के ठोकरे खा रहे हैं? मेरी मांग है कि हमारे लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में सामान्य अवसर प्रकोष्ठ है, जहाँ की मतलब हमारे लिए वॉलंटियर रखा जा रहा है, जबकि वॉलंटियर कह के मतलब मुझे सुविधाएं आ रही है, और मैं चाहता हूं कि हमारे लिए वॉलंटियर ना हो, इसके लिए कोई अनुबंध पे रखा जाए कर्मचारी, जो हमारी सुविधाओं को मतलब मिल पाए, मुझे जो पहले मिलती थी आज नहीं मिल पा रही है हमें। अभी से एक तरफ अभी माननीय प्रधानमंत्री, पहले आपको विकलांग कहा जाता था तो आपका दिव्यांग नाम दे दिया गया, क्या इससे दिव्यांग नाम देने से आपको कोई बेनिफिट मिले इस तरह की सरकार से? नहीं, मुझे कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जबकि सुविधाएं घटती जा रही है पहले से। अभी क्या घटी है आपकी सुविधाएं? जैसे कि पहले हमें, मैं देखूँ कि 2012 ये पहले अभी जो था ना कि विश्वविद्यालय में हमारे लिए रीडिंग हो जाती थी, कंप्यूटर की क्लासेज लगती थी, वो सारी अब बंद हो चुकी है। ह्यूमन आर्ट की क्लास चलती थी, वो बंद कर दी गई है। तो इस तरह से बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करती थी, वो बंद कर दी गई है। क्या अभिषेक जी आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं दृष्टिवादी छात्र हूँ। मैं दृष्टिवादी छात्र हूँ। आपको मतलब आपको से नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, छात्र हैं आप। जब आप स्टडी करते हैं तो आपको कौन कौन सी दिक्कतें ऐसी होती हैं? आपको दिक्कत हमें मतलब मटेरियल नहीं मिल पा रही है, ना तो बुक मिल पा रही है। ब्रेल लाइब्रेरी तो है, कहने को ब्रेल लाइब्रेरी, बट वहाँ पे कोई भी बुक मिलती नहीं है, और मिलती है काफ़ी पुरानी मिलती है। अगर नई बुक दो रिकॉर्डिंग करने के लिए तो कहते हैं हमारे पास वॉलंटियर नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो वो अपनी समस्याएं सुनाने लगते हैं हमारे सामने, कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा है ऊपर से।